आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई भले आप मेरा टाइम टेबल फॉलो करके करो या खुद का टाइम टेबल बनाओ या विदाउट टाइम टेबल आप पढ़ाई करो, लेकिन मोटिव ये है कि पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो है दोस्तों, जैसे हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम टाइम टेबल, यानी कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कैसे आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए और क्या वो टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस टाइम पर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वन बाय वन हम बात करेंगे विद स्कूल और विदाउट स्कूल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप चाहो तो एक दो दिन स्कूल से लीव लेकर पूरे दिन घर पे स्टडी करो तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप छुट्टी करना नहीं चाहते तब भी आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट उसके अंदर ये आपका जो सुबह का टाइम टेबल है स्टडी का वो उससे कट हो जाएगा। तो आप दोनों फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो वीक में एक दो बार स्कूल से लीव लो और उसको अच्छे से यूज करके पूरे दिन स्टडी करेंगे, आप अपने आप को एक बूस्ट दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। और अगर आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, आप स्कूल में अच्छे से पढ़ते हो तो स्कूल भी जाओ। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में आप 6 AM पर उठ जाएंगे, 6 to 7 ये आपका वेकअप टाइम है, उठो रेडी हो जाओ स्कूल के लिए और ब्रेकफास्ट कर लो इसमें। अब ये आपका ब्रेकफास्ट टाइम है, इसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे का टाइम है, ब्रेकफास्ट करना है, शावर करना है, रेडी हो जाना है। उसके बाद 7 to 8 ये आपका स्कूल टाइम है, आप स्कूल के लिए निकल जाएंगे। और अगर स्कूल नहीं है तो ये आपका फ्री टाइम है, इस टाइम आप फ्रेश हो सकते हो क्योंकि आगे आपका स्टडी टाइम आने वाला है। लेकिन अगर आप स्कूल जाने वाले हो तो स्कूल इस टाइम पर आप निकल जाएंगे और ये पूरा टाइम आपका कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्कूल में रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि आप स्कूल की छुट्टी कर लीजिए, तो आप कोई यूज कर सकते हो पूरा दिन स्टडी के लिए और आपकी प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाएगा, तब आपको ये कट करना नहीं होगा, सिंपल है। उसके बाद बात कर लेते हैं 8:30 to 10 AM, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर का टाइम है। अब इस टाइम पर क्या करना है, स्टडी करनी है। क्या स्टडी करना है? मैथ्स पढ़नी है इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जो ज्यादा टाइम लेता है, तो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, शुरुआत इससे करो, काफी बच्चों को परेशान करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा इसको आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से सुबह में पढ़ लोगे तो दिन भर में आपका सिलेबस काफी कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा दिन मैथ्स के लिए निकाल लो, लेकिन अगर आपके एग्जाम्स अभी थोड़े दूर हैं तो आप मैथ्स भी कर सकते हो तो पूरे दिन में, साइंस भी करोगे आगे, सोशल साइंस भी करोगे। लेकिन जो भी हम यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ चाहो तो मैथ्स भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी मैथ्स वीक है तब। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पूरे दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दें, क्योंकि मार्क्स ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स से आएंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान देना। काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि वो सिर्फ मैथ्स पे ध्यान देते हैं, और इस ऐसा करने से क्या होता है कि मैथ्स में तो अच्छा स्कोर कर देते हैं वो, लेकिन साइंस में भी कर देते हैं, साथ में हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस में रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर की मैथ्स पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, 10 से 10:30 के बीच में ब्रेक लेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेंगे। इस 30 मिनट के ब्रेक में आप जो अभी आपके एसेंशियल वर्क्स हैं वो कर सकते हो, लाइक आपको अगर घर के कुछ छोटे मोटे काम करने हैं वो कर लो, पानी पीना है, फ्रेश होना है, जो करना है करो, लेकिन ये पहले मैथ्स पढ़ो, उसके बाद जाके ब्रेक लो। ब्रेक भी काफ़ी ज़रूरी होता है, उससे आपको आपके ब्रेन को रेस्ट मिलता है, ब्रेन को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। अगर वो टायर्ड रहता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर से रिफ्रेश होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए ब्रेक काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद 10:30 to 12 PM ये आपका स्टडी टाइम है, इस टाइम पे आपको साइंस पढ़नी है। साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के साथ साथ, और जैसे कहा कि मैथ्स काफ़ी टाइम लेती है, साइंस भी काफ़ी टाइम लेती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर का टाइम लेगी आपकी साइंस। और साइंस के अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो तीनों हैं, तो PCB आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे कि आपको कब किसको कितना टाइम देना है। हो सके तो आप 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, बायो पढ़ लो या फिर केमिस्ट्री पढ़ लो। हो सके तो इस टाइम को आप डिवाइड भी कर सकते हो इसी टाइम के अंदर, और अगर आपका सिलेबस कुछ ज़्यादा ही छूटा हुआ है तो आगे जो स्टडी टाइम आएगा उसमें इंक्लूड कर सकते हो। साइंस पढ़ लोगे तो साइंस पढ़ने के बाद 12 to 1 ये आपका लंच टाइम है। हो सकता है आप लंच बाद में करते हो, लेकिन पहले भी कर सकते हो, क्योंकि आप एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो बेहतर ये है आप सारे चीज़ें टाइम पर करो। अगर लंच बाद में कर सकते हो तो बाद में कर लो, लेकिन पहले करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा काफ़ी सारा और आप उसको आगे यूज़ कर पाओगे। तो ये 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे आपको लंच करना है। अब सिर्फ लंच ही नहीं करना है, इसके अलावा आपके और भी काम हो सकते हैं, जैसे कि आप घर के कुछ काम कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा एक ब्रेक दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 1 घंटे का लंच ही होगा, लंच तो बहुत से बहुत 15 मिनट या फिर 30 मिनट का, 15 मिनट या 30 मिनट का ही होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन बाकी मिनट आपके रेस्ट के लिए है, थोड़ी देर नैप ले लो, चाहो तो वॉक कर लो, चाहो तो फैमिली से बात कर लो, ताकि आप थोड़ा रिफ्रेश फील करो और आगे जो आप पढ़ाई करने वाले हो, आगे जो आपके वर्क्स हैं उनको कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आता है 1 to 2
PM, ये आपका रेस्ट टाइम है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी टाइम है। अब एक्स्ट्रा करिकुलम में कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहो, जो भी आपके वर्क्स हैं, कुछ भी हो सकता है, भले घर के काम हो या आपका खुद की कोई हॉबी हो, आप कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि एग्जाम्स टाइम पर ये आपकी हॉबी फॉलो नहीं करो तो बेहतर है, लेकिन आपको उससे अच्छा लगता है, आपको रिफ्रेश फील होता है, तब करो। क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के बाद आप अगर आप खुद को टाइम देते हो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, तो वो कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ से भी इम्पैक्ट पड़ता है स्टडी के ऊपर। आप अच्छा फील करते हो, रिफ्रेश फील करते हो, तो अच्छे से स्टडी भी कर पाते हो। तो ये एक घंटे का टाइम है, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा स्टडी सिलेबस है तो ये टाइम भी आपका स्टडी के लिए डेडिकेट हो जाएगा और इस टाइम पर भी आपको स्टडी करनी पड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 2 to 4, ये 2 घंटे का टाइम है, स्टडी टाइम है। क्या पढ़ना है? सोशल साइंस पढ़ना है इस टाइम पर, हिस्ट्री भी पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सोशल साइंस के अंदर। हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी भी है आपकी, वो भी पढ़नी है आपको। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी है और उसके साथ साथ आपकी सिविक्स भी है, ये सब आपको इसमें इंक्लूड करना है। 2 घंटे का टाइम मैंने क्यों दिया है? क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपने पूरे साल मैथ्स तो पढ़ी होगी, हो सकता है साइंस की ट्यूशन भी आपने पढ़ी हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सोशल साइंस को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, जो कि सच है कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको लगती है बोरिंग सोशल साइंस, तो उसको वो फोकस नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप 2 घंटे स्टडी करो सोशल साइंस, आपके हाफ ईयरली में कुछ टाइम बाकी है, अच्छे से स्टडी करके अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, तो ज़रूर सोशल साइंस पढ़ लेना। लेकिन अगर आपको उसमें डाउट है कि कैसे सोशल साइंस स्टार्ट करें, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो वो आप चेक कर सकते हो आई बटन पे, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपनी सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ज़रूर करना है, 2 घंटे टाइम देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी बच्चे मैथ्स और साइंस में अच्छा स्कोर तो कर देते हैं, लेकिन सोशल साइंस में उनके मार्क्स गिर जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए आपको अपना टाइम इंक्लूड करना है सोशल साइंस के लिए, और हो सकता है कि इसमें आपको नींद भी आए, क्योंकि सोशल साइंस पढ़ते हुए काफ़ी बच्चों को नींद आती है, तो आपको टाइम टू टाइम ब्रेक भी लेना है, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहना, ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि बोरिंग तो लगता है शुरुआत में क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करोगे तो मज़ा भी आएगा। और यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स भी देखो, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा, और साथ में इसके नोट्स भी बनाओ, और कैसे पढ़ना है पूरा उसकी वीडियो आप आई बटन पर चेक कर सकते हो। उसके शॉर्ट ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप थक चुके होंगे हिस्ट्री पढ़ के, सोशल साइंस पढ़ के, तो एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। शॉर्ट ब्रेक है नहीं, 30 मिनट का शॉर्ट ब्रेक नहीं होता है, बट फिर भी हम कहेंगे कि वो एक शॉर्ट ब्रेक है, क्योंकि आपने काफ़ी देर पढ़ाई करी है। और अगर आप चाहो तो ये शॉर्ट ब्रेक ना भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, आप जो 2 आवर्स की स्टडी कर रहे हो उसको 2 आवर्स एंड 30 मिनट कर दो, और इसी के अंदर बीच बीच के अंदर 10-10 मिनट के ब्रेक्स लेते रहो, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बजाय इसके कि आप 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक लो। 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक लेने में आपको एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वो 10 मिनट के ब्रेक में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो, आपको कुछ काम है, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ करना है, तो वो 30 मिनट का ब्रेक लेना आपको पड़ता है। लेकिन आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो कि आप कुछ और भी साथ में काम कर सको, जरूरी नहीं कि आप 30 मिनट का ही ब्रेक लो, हो सकता है 25 मिनट का हो जाए, हो सकता है 1 आवर का हो जाए, बट कोशिश करो कि ब्रेक ज़्यादा लंबे ना हो, वरना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। जितना हो सके स्टडी टाइम को बढ़ाओ, जरूरी नहीं कि मैंने कहा कि 2 आवर्स पढ़ना है तो 2 आवर्स ही पढ़ोगे, आप चाहो तो 2 आवर्स 30 मिनट पढ़ो, 3 आवर्स पढ़ो, 4 आवर्स पढ़ो, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन उसको कम नहीं करना है और स्टडी ब्रेक को ज़्यादा नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आप खुद को फ्लेक्सिबल रखो, अपने टाइम टेबल को आप जैसे चाहो फॉलो कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई भले आप मेरा टाइम टेबल फॉलो करके करो या खुद का टाइम टेबल बनाओ या विदाउट टाइम टेबल आप पढ़ाई करो, लेकिन मोटिव ये है कि पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4:30 to 6 PM, ये आपका अगेन स्टडी टाइम है। इस टाइम पर आपको इंग्लिश करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी बच्चे इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं और इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कुछ महीने पढ़ लोगे अच्छे से, रोज 1.5 घंटा पढ़ लोगे, तो आराम से 90+ स्कोर कर लोगे, गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये काफी इजी सब्जेक्ट है, आराम से कर लोगे। पूरे साल आप मैथ्स पढ़ो, पूरे साल आप साइंस पढ़ो, तब जाके आपके 90+ स्कोर होते हैं। लेकिन सिर्फ इंग्लिश 1 महीने पढ़ लो, 15 दिन पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, तो आप 90+ स्कोर कर जाते हो। तो जरूर पढ़ लेना इंग्लिश आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, भले ही बाकी सब्जेक्ट भी करते रहो, लेकिन इसको मत भूल जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हिंदी भी ज़रूरी है, और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद आपका आता है 6 to 7, ये डिनर टाइम है। हो सकता है डिनर टाइम आगे पीछे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है 7 बजे हो सकता है 8 बजे हो, तो डिनर टाइम आप आगे पीछे अपना मैनेज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनर करेंगे 1 घंटे का, 1 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिनर करोगे, रेस्ट करोगे, फैमिली मेम्बर से बात करोगे, रिफ्रेश होगे, तो अचानक से एकदम से पढ़ाई तो करोगे नहीं,
और भी काम आपके होते हैं लाइफ में, तो आप वो इस टाइम पे कर सकते हो। ये टाइम ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आप चाहो तो 6 to 7 रेस्ट कर लो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो भी आपके घर के काम है वो कर लो, और उसके बाद डिनर करो, तो ये आप शिफ्ट कर सकते हो उसको। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये 2 घंटे का टाइम कैसे निकालना चाहते हो। अगर प्रेशर ज़्यादा है, अगले दिन एग्जाम है, तो ये रेस्ट भी मत करना, आप इस टाइम पर भी पढ़ाई करना। पढ़ाई क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कल कौन सा एग्जाम आपका है या परसों कौन सा एग्जाम आपका है। ज़्यादा पढ़ना है तो रेस्ट ना लेकर इस टाइम को भी एज अ स्टडी टाइम यूज करो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ऐसा करोगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बाद में हो सकती हैं, बट एग्जाम प्रिपरेशन एग्जाम के बाद नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद है 10 to 9, ये आपका स्टडी टाइम है। लैंग्वेज लर्निंग टाइम है, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, लेकिन एग्जाम टाइम है तो मैं कहूँगा कि ये टाइम डेडिकेट करो अपनी हिंदी के लिए या फिर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके भी मार्क्स इंक्लूड होते हैं। उसके साथ साथ हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी काफ़ी बच्चों की हिंदी वीक होती है, तो उनको चाहिए कि वो इम्प्रूव करें, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी अच्छा इससे स्कोर हो जाता है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको आगे चल के हिंदी अच्छी हो जाएगी और आपके बोर्ड में तब जाके अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो दोनों ही केस में, भले आप बोर्ड में हो या फिर आपका बोर्ड नहीं है, हिंदी तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सिमिलरली जैसे आपको कहा कि इंग्लिश के बारे में कि रोज़ थोड़ा पढ़ लो सिर्फ एग्जाम से 1 महीने पहले, तो 90+ स्कोर कर जाते हो, 100 तक स्कोर कर देते हैं बच्चे इसके अंदर, तो आप हिंदी में भी ऐसा कर सकते हो। सिर्फ बस बात सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ के आप स्कोर कर पाओगे। थोड़ा सा कितना? रोज़ 1 घंटा पढ़ लो, वो भी एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले, वो से बहुत 1 महीना पहले पढ़ लोगे, अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्या था बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है 9 to 9:30। ये अगेन शॉर्ट ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक ज़रूर लेना ताकि आप खुद को बार बार रिफ्रेश कर पाओ, डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो ये ब्रेक ज़रूरी है। उसके बाद 9:30 to 11 ये 1.5 आवर का टाइम है। इस टाइम पर आप कोई से भी सब्जेक्ट का रिविज़न कर सकते हो, जो भी वीक है, जो भी आपको लगता है कि आपको उसको रिविज़न की ज़रूरत है, रिविज़न ज़रूर करना, क्योंकि रिविज़न बहुत ज़रूरी है। आप 10 चैप्टर कंप्लीट कर दो, रिविज़न नहीं करोगे तो किसी काम के नहीं है, और 1 चैप्टर कर लो और उसका अच्छे से रिविज़न कर लो तो वो बहुत काम का है। तो रिविज़न ज़रूर करना है ताकि आपका वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो कर पाओगे आप आराम से। तो रिविज़न ज़रूरी है, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है सोना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सोते नहीं हैं एग्ज़ाम टाइम पर, और वो जो भी पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता है। सिंपल सा रीज़न है कि खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, खुद को रेस्ट देना ज़रूरी है। तो टाइम पर यानी कि 11 PM पर सो जाना है, 6 AM पर उठना है, अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स की स्लीप हो गई, और 7 आवर्स इनफ होते हैं। चाहो तो 8 आवर्स भी कर सकते हो, आप चाहो तो जल्दी सो जाओ 10 PM पर सो जाओ, बट 7 आवर्स से आप कम नहीं करेंगे, 6 पर नहीं जाएंगे, 8 तक पहुंच सकते हैं, और अगर काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो तो 8:30 या 9 भी कर सकते हो, लेकिन कम नहीं करना है, क्योंकि रेस्ट काफ़ी ज़रूरी है आपके ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन को स्लीप की ज़रूरत होती है। और आप एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट को पढ़ना है, ब्रेन की ज़रूरत है उसको, उसका ब्रेन हेल्दी और रिफ्रेश रहना चाहिए, तो ज़रूरी है स्लीप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, तो पहली है क्रिएट अ प्रॉपर स्टडी प्लान। जैसा आपको बताया मैंने कि आपको एक टाइम टेबल यूज़ करना है, टाइम टेबल यानी कि आपको एक प्रॉपर प्लान लेके चलना है कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और कैसे सिलेबस नोट्स क्या पढ़ना है। एक प्लान होना चाहिए कि कब एग्जाम्स हैं और कैसा आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट है आपका नो योर सिलेबस एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। आपको अपना सिलेबस तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि काफ़ी से ज़्यादा चैप्टर्स कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके टॉपिक्स कर चुके हैं, क्या पैटर्न है, किस तरीके से पेपर बन के आने वाला है आपको पता होना चाहिए। कैसे मिलेगा? काफ़ी वीडियो बनाई है ऑलरेडी, चेक कर सकते हो, या फिर आप गूगल पर CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से पता कर सकते हो कि सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे सैम्पल पेपर है आपके, क्या पैटर्न है, ये पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता होगा? जब पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, डाउनलोड करके उसको सॉल्व करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसा पैटर्न आपका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिस्टिंग आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो इन पर टिक लगाओ कि ये रिपीट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। और टॉपिक्स पता होने चाहिए आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब पता होंगे जब आप चेक करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन से आ रखे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार सॉल्व करो, चेक करो कि कौन से इंपॉर्टेंट है, और उन पर जाकर टिक लगाओ और उनको बार बार प्रैक्टिस करो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिस्टिंग आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आता है उसके बाद जो है ब्रश अप योर हैंड राइटिंग स्किल्स।
लिखना कैसे है, लिखना किस तरीके से है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 बार याद कर लो लेकिन ढंग से अगर लिखोगे नहीं तो मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। तो लिखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही से अच्छी राइटिंग से लिख पाओ। अच्छे से मेरा मतलब है कि साफ राइटिंग हो, समझ में आए, ये नहीं कि वो कर्सिव हो, कर्सिव हो अच्छी बात है, लेकिन ये हो कि वो नीट और क्लीन हो, समझ में आ सके। अगर समझ में आती है और आप अच्छे से लिखते हो, अच्छे से आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, तो अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। किस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, यूट्यूब पे चेक करो, सीखो उनके बारे में, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप क्या याद करते हो, कैसे आप लिखते हो, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। भले आपने थोड़ा सा याद हो आपको और लेकिन आप लिखते उसको अच्छा हो तो काफ़ी अच्छे उसका आपके मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर सीखना, यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएंगी, सीखो उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कम्पीट विथ योर सेल्फ, यानी कि आपको खुद से कम्पीट करना है कि आपने अगर 2 घंटे पढ़ा है तो कोशिश करो कि 3 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि उससे भी अच्छा करो, क्योंकि अगर आप थोड़ा कर सकते हो तो कोशिश करो कि ज़्यादा करो, थोड़े में खुश मत रहो। खुद से कंपीट करो, खुद से कंपटीशन करो, अगर आप थोड़ा सा पुश करते हो तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है, तो ये ज़रूर ट्राई करना। लास्ट पॉइंट है वो है मेकिंग शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट भी ज़रूर बनने चाहिए, क्योंकि आपकी लिख लिख के प्रैक्टिस होती है और आपको वो एंड टाइम पर काफ़ी काम में आते हैं। तो ज़रूर 6 पॉइंट ध्यान देना कि आप शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान में दोगे और जो आपको मैंने टाइम टेबल बताया इसको फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो इसको ज़रूर सेव कर लेना। अगर आपको उसका एक इमेज वर्जन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो को पोस्ट करके इसको आप नोट कर सकते हो और खुद का एक पर्सनलाइज टाइम टेबल बना सकते हो, इसको आप कन्वीनियंटली फॉलो कर पाओ। तो ये थी आज की वीडियो, तो होप आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।